आज का जो हमारा प्लान एक 18x30 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है, जिसमें कि हमने 2 BHK प्लान किया था। सो चलते हैं प्लान की तरफ और देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है। फर्स्ट हमारी इसकी जो विड्थ है वो 18 फीट की है एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो 30 फीट की है। फर्स्ट हमने यहाँ पर एक गेट प्रोवाइड किया हुआ है। गेट से हम एंटर करेंगे हमारी स्टेयर्स एरिया के अंदर। यहाँ से हमारी स्टेयर्स जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। हमारी स्टेयर्स की जो विड्थ होगी वो 3 फीट वाइड होगी। 3 फीट वाइड हमारी स्टेयर्स है। यहाँ से हमारी स्टेयर्स जो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। स्टेयर्स के नीचे का जो पोर्शन है उसको हम पार्किंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम कोई भी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। इस एरिया का जो हमारा साइज होगा वो 6 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 14 फीट 6 इंचेस हमारी इसकी लेंथ होगी, जिसमें कि 6 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 14 फीट 6 इंचेस हमारी ओवरऑल लेंथ होगी। देन यहाँ मेन डोर से हम एंटर करेंगे हमारे लॉबी एरिया के अंदर, जो कि हमारा बेसिकली लिविंग रूम है। इस लॉबी का जो हमारा साइज होगा वो 10 फीट बाय 10 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो हमारा साइज होगा वो 6 फीट 6 इंचेस बाय 4 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 6 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहां से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 10 फीट बाय 9 फीट का होगा। इसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 9 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने अपना किचन प्रोवाइड किया हुआ है। इस किचन का जो हमारा साइज होगा वो 7 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 7 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 7 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ डोर से हम एंटर करेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम के अंदर। सेकेंड बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो 9 फीट बाय 10 फीट का होगा, जिसमें कि हमारा 9 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जितने भी डोर्स प्रोवाइड किए हैं, जो हमारा मेन डोर है इसका जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। देन जितने भी डोर्स को हमने डी से डिनोट किया है, इसका जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट 6 इंचेस इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया है, इसका जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट 6 इंचेस की विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी विंडोज को हमने V से डिनोट किया है, इन विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 2 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया होगा वो 540 स्क्वायर फीट का होगा एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 lakhs के अराउंड आएगा, जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का प्लान, जो कि 18x30 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था, जिसमें कि हमने एक 2 BHK प्लान किया था।